नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बबल सेक्सटेंट के बारे में और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कि बबल सेक्सटेंट कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हम लोग पोलर रीजन्स में यूज़ करते हैं। और पोलर रीजन्स में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एक तो बॉडी का जो है अल्टीट्यूड, मीन्स अगर सन का हम लोग को लेना है तो अल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं रहता, कम ही रहता है, वो नीचे ही रहता है, तो इसलिए जो हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग को हाथ पे नहीं पकड़ना रहता, जैसे हम लोग नॉर्मल सेक्सटेंट है हाथ से लेकर तब हम लोग सन का मान लीजिए ऑब्जर्वेशन लेना है तो उसको होराइजन पे हम लोग लाते हैं, तो बट इसको हम लोग को क्या करना होता है, हाथ से ना पकड़ के इसको हम लोग को ट्राइपॉड पे लगा के यूज़ करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ बबल सेक्सटेंट यूज़ करने का दूसरा रीज़न है कि जैसे हम नॉर्मली जब हम सेक्सटेंट यूज़ करते हैं तो हम लोग होराइजन पे बॉडी को लाते हैं तो होराइजन हमें क्लियर रहता है, बट पोलर रीजन्स में हमें होराइजन दिखता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग बबल सेक्सटेंट यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बॉडी को हम लोग बबल पे लाके बबल के सेंटर में लाके रख देते हैं, तो आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग बॉडी को बबल पे लाते हैं और कैसे हमें ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बबल सेक्सटेंट होता है, ये एक साइड का है और अब ये दूसरे साइड से देखिए बबल सेक्सटेंट ऐसा होता है देखने में। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जैसे ट्राइपॉड पे हम लोग खड़ा करते हैं, ये ट्राइपॉड पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ट्राइपॉड पे इसको हम लोग रखे हुए हैं, ये दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ। अब यह फिर से देखिए कि ट्राइपॉड पे कैसे दिखता है, ये हम लोग ऐसे ही ट्राइपॉड पे खड़ा करके तब हम लोग लेते हैं, इसको हाथ से नहीं पकड़ते हैं, ट्राइपॉड पे ही हम लोग इसको रखे रहते हैं, ट्राइपॉड पे ही रख के हम लोग ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। अब देखिए ये ग्रीन वाला जो दिख रहा होगा आपको डॉट, वो हमारा सन है और एक सेंटर में आपको बबल दिख रहा है, तो ये ग्रीन डॉट को देखिए हमने बबल के सेंटर में ला के रख दिया, वही जो रीडिंग आएगी हमें वो हम रीडिंग नोट कर लेंगे और हमें अपना ऑब्जर्वेशंस मिल जाएगा। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है अब आपको बबल सेक्सटेंट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।